छह सूत्रीय मांग के संदर्भ में रविवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की बैठक प्रदेश के महामंत्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 19 जून से चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा तथा 26 जून से आय, जाति, निवास, आदिवासी प्रमाण पत्र बनाने के कार्य का बहिष्कार करते हुए काली पट्टी बांध कर काम किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि सरकार के पास बजट होने के बावजूद लेखपालों को लैपटॉप और एंड्रॉइड फोन अभी तक नहीं दिया गया, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। इस मौके पर संघ के प्रांतीय सहमंत्री धनंजय कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष नीलकंठ धर दुबे सहित अन्य जनपदों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के प्रदेश महामंत्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, समीक्षा बैठक में बड़े भाई श्री दुबे जी भैया को जिला अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के द्वारा दो वर्ष पूर्व हमारी छह सूत्री मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई थी। इसमें 21 सितंबर 2016 को माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री से हमारा समझौता हुआ था और उन्होंने हमारी सभी मांगों पर जायज समझा समझते हुए निर्णय लेने के लिए कहा था, जिसमें एक प्रोन्नत को छोड़ करके सभी हमारी मांग आज भी लंबित हैं। इस संबंध में हम वर्तमान मुख्यमंत्री जी से भी दो बार मिल चुके और अपनी बात कहे, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हम सारी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परिषद और शासन लेखपाल से काम लेता है और सिंपल बात है कि जो काम लेता है वही मजदूरी भी तय करता है। तो शासन और परिषद ये कह रहा है कि लेखपाल को 2800 ग्रेड पे देना चाहिए, लेखपाल के वेतन के वेतन में विसंगति है, उसका नाम परिवर्तन होना चाहिए, उसकी शैक्षिक योग्यता बढ़नी चाहिए, तो फिर सरकार को इसमें कैबिनेट करके पास कराने में क्या समस्या है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा 2 साल से मांग पत्र पड़ा हुआ है और शासन और प्रशासन की सहमति है, उसको तुरंत से तुरंत शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट करा करके उसे पूरा कराएं, अन्यथा हम लोग तो अब आंदोलन का बिल्कुल बजा चुके हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि 1.5 महीना पहले हमने नोटिस दिया था सरकार को और हमसे किसी अधिकारी ने वार्ता तक नहीं की, उस पर चर्चा तक नहीं की, तो मजबूर होकर के आज हम आंदोलन में जा रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते आंदोलन करना, लेकिन आज सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम जनता के काम को न करें। तो मेरा ये मानना है कि आज से भी सरकार अगर चेतेगी तो जो हमारा आंदोलन 26 जून से होने वाला है वो टल सकता है। इसलिए मैं सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि जनता और कर्मचारियों को हित को देखते हुए जल्द से जल्द हमारी मांगों के प्रति शासनादेश जारी करें। धन्यवाद।